सो अगर मैं आपसे सवाल करूं मसर तापा, आपको क्या लगता है कि आपकी कुल जमा पूंजी क्या है? मेरा तो बड़ा सेट पैटर्न है, ठीक है, वालदैन, बहन भाई, बच्चे, फिर उनके बच्चे, ठीक है, तो क्योंकि हमारे खानदान ही ऐसा है जो कि बिल्कुल इस तरह करके था, तो उनकी छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो हमारे लिए बहुत यानी कि इम्पोर्टेंट होती हैं, अहमियत। अगर किसी की शादी हो रही है, कोई पास हो गया, कोई किसी अच्छी पोजीशन में चला गया, वो सब खुशियाँ मिलती हैं। फिर उसको शेयर करना अपने माँ बाप के साथ वो एक बहुत बड़ी बात होती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह माय मदर इज़ स्टिल विद मी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब डैडी नहीं रहे, लेकिन माँ जो है उनके साथ वो चीज़ें छोटी छोटी बताना उनको, फिर वो अपनी कहानियाँ सुनाती हैं। अच्छा, जब तुम ऐसी थी, जब वो ऐसी थी, तो ये हुआ, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, वो मैं तो माँ से कहती हूँ, माँ आप इसको रिकॉर्ड करें। हाँ, क्योंकि फिर याददाश्त जो होती है ना, वो साथ नहीं देती, नहीं देती। तो वो उसका रहा। फिर अपने जब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आई, तो फिर जो मेरा बिजनेस था, उस एक सैलून जब था, उस जब वो खुला, तो वो लगता था कि वही पूरी एक मेरी कायनात है। इस वक्त 80 सैलून्स हैं पूरे पाकिस्तान में, तो वो लगता है कि ये कायनात तो पूरा यूनिवर्स हो गई है ना, लाइक बढ़ गई है। फिर उसके बाद यू नो उसी के अंदर इनोवेशंस डालना, अपने बच्चों को, मेरा बेटा पढ़ाता है, उसको बहुत शौक है। अच्छा, आपकी बेटी के बारे में तो हमें पता है, लेकिन बेटे के का मुझे नहीं पता कि आपके कितने दो बच्चे हैं? बेटा एक मेरा, हाँ, मेरा अच्छा। बेटा है, वो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, फिर अभी इंडस वैली में पढ़ाते हैं, विजिटिंग फैकल्टी में, ही इज अ फाइन आर्ट्स के टीचर। अच्छा, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह से वो अपनी बड़े मज़े की बातें, उसका बेटा है, हाँ, मेरी बहू है, सो वो उनकी एक एक अलग दुनिया जो उनके साथ खुशियों के साथ शेयर होती है। फिर रिदा जो मेरी बेटी है, वो बिजनेस लोग आफ्टर करती है, शी इज़ मैरिड एंड शी इज़ मैरिड इन टू अ मलेशियन फैमिली, शमल जो टोनियन गायक हैं जी, तो उसके चीनी बच्चे बहुत मुझे प्यारे लगते हैं। वैसे वाकई चीनी बच्चे बहुत क्यूट होते हैं, तो वो एक मज़ेदार एडिशन। एंड देन ऑफ कोर्स मेरे यू नो मैं अपनी बिजनेस की तरफ आती हूँ, तो मेरा जो मेरे फर्स्ट हलाल मेकअप लाइन थी, वो मुझे लगता था कि लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज लोग हलाल के लफ्ज़ को समझते हैं ये कोई छोटी कैटेगरी की कोई चीज़ है। कहते हैं अच्छा, वो दकियानूसी इस टाइप के भी सोच को बदलना, बताना कि इट्स अबाउट प्योरिटी। तो उसी प्योरिटी को लेके फिर अभी हमने 3 दिन पहले फ्रेग्रेंस लॉन्च किया, बिल्कुल, तो उसका भी लोगों को यही था ना कि माशाल्लाह जमा पूंजी काफी हो गई। इसी हिसाब से इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।